मुझे डॉक्टर आर के गुप्ता जी से पता लगा था, क्योंकि हमारा अगला जो सेमिनार वेबिनार होने जा रहा है जल्दी ही, वो इन्हीं चीजों के ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो संस्कृत का रोल रहा है वो क्या है। ये अलग बात है कि जब संविधान का जो रूप, कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूप हमारे सामने उभर कर आया, फॉर्म और एसेंस, उसमें कहीं पर भी वो इंडियन जिसे हम कहते हैं भारतीय होना कहते हैं, वो कहीं नहीं है हमें देखने को मिलता। और सारे का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अमेरिका से, ब्रिटेन से और बाकी देशों से लेना पड़ा। ये बड़ी एक विचित्र बात है कि सारे भारतीय लगभग 450 बार कोट कर रहे हैं अपनी परंपरा को, लेकिन वहां से कुछ भी वो नहीं ले रहे। अब जो भी है, जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया है, तो उसी के फॉर्मेट में हमें अपनी गवर्नेंस भी चलानी है, गवर्नमेंट भी चलानी है, पार्लियामेंट भी चलानी है और बाकी सारे काम करने हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने 21वीं शताब्दी में दो तरह की भाषा देखने में, सुनने में, समझने में आती है, व्यवहार में आती है। एक वो भाषा है जो कृषि आधारित भाषा रही है, जिसे आप पुरानी भाषा कहते हैं, पिछड़ी भाषा कहते हैं, और खास तौर पे हिस्टोरियंस के द्वारा जो पढ़ाई बताई गई है कि हम भारतीय बड़े पिछड़े हुए थे और उनकी सोच समझ कुछ थी नहीं, और आकर के अंग्रेजों ने हमें सभ्य, सुसभ्य और सुसंस्कृत बना दिया। लेकिन उस कृषि आधारित जो भाषा थी, जिसे संस्कृत का नाम भी कभी कभी दिया जाता है, उसमें हमारे पास जो शब्द हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्लाइड पे देख रहे हैं, राजा है, राज्य है, अमात्य है, पुर, दुर्ग, राष्ट्र, कोष, सेना, ये सारी शब्दावली हमें देखने को मिलती है। अनुशासन, प्रशासन, कर्तव्य, दायित्व, आप सारे ये लोग देख सकते हैं। तो इससे ये हमें अनुमान होता है उस पिछड़ी भाषा से, उस पिछड़ी हुई संस्कृति से, कि उस वक्त भी ये सारी एक व्यवस्था तो थी ही, चाहे वो वेदों में व्यवस्था थी, जिसका मैं एक प्रारूप आप लोगों के साथ संक्षिप्त में साझा करूंगा और फिर मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा। और दूसरी तरफ आज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है, जिसमें लोकतंत्र, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मताधिकार, ये सारी शब्दावली आपके पास उपलब्ध है। अब जो मैं आप लोगों के सामने एक और चीज नीचे रखने जा रहा हूं, कि वो है कि गवर्नेंस से हम चाहते क्या है। एक ऐसा समाज, एक ऐसी व्यवस्था जो श्रेष्ठतम मनुष्यता के लिए, श्रेष्ठ मनुष्य के लिए व्यवस्था वो प्रभावी हो, और उसके लिए जो आदर्श मॉडल हमारे पास है, आदर्श है, जो प्रारूप है, और मैं चाहता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी इस तरह की बात कहने का साहस करे, न राज्यम न च राजा सीत, न दंडो न च दांडिका, स्वयं प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। बड़े सरल सी ये भाषा है, इसमें क्या कहता है मॉडल, बेस्ट मॉडल जिसकी वो बात करता है, वो क्या है, न राज्य था न राजा था, न दंड था न दंड देने वाला, सारी स्वयं सारी प्रजा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। तो मेरा सवाल कई बार होता है, जितने भी सोशल साइंटिस्ट होते हैं, कि क्या कभी हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, अमेरिका का है, ब्रिटेन का है और देशों का है, तो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे यूएनओ का ही कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्या वो कभी ऐसी एक परिकल्पना कर सकता है, एक ऐसा मॉडल दे सकता है, चाहे हम कितने ही ह्यूमन राइट्स की बात कर लें। एक छोटी सी स्लाइड और दिखा करके मैं आप लोगों से परिचित कराऊंगा आज के मुख्य वक्ता को। आप देखिए कि इस भारत के बहुत पिछड़े हुए जो अंश हैं, उनमें से कभी कभी जो उभर कर आने वाले एक विजडम की बात होती है, उसमें वेदों का एक हिस्सा है उपनिषद। वहां पर एक राजा है अश्वपति, वो बड़ा बोल्ड एक डेक्लरेशन दे रहे हैं, और मेरी इच्छा है कि हम सोशल साइंटिस्ट कभी इस तरह की एक गवर्नेंस के आधार पर ऐसी एक बोल्ड डेक्लरेशन दें। वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करता हो, किसी भी पार्टी को या किसी भी चीज से वो विचारधारा से वो संबंधित हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा वो एक बोल्ड डिक्लेरेशन दे, ताकि मैं उनको स्वीकार कर सकूं, और मैं ये स्वीकार करूं कि ये पिछड़ी हुई बातें थी और आज जो लोग बातें करते हैं वो बड़ी आधुनिक होती हैं। आप देखें, न मैं स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपह, नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, न तो मेरे राज्य में चोर है। ये अश्वपति उस वक्त का राजा कह रहा है, जिसका समय भी हमें अनुमानित करना कठिन होगा, कम से कम 6,000-5,000 साल पूर्व, तो इतना तो मिनिमम है ही है।
न तो कोई चोर है, न कुत्सित व्यवहार करने वाला है, न मद्यपाई है, न कोई ऐसा गृहस्थी है जिसके अग्नि स्थापित ना हो। अग्नि किसके होती है? जिसके घर में चूल्हा जलता है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, इसका मतलब है खाने पीने वाले सारे परिवार हैं। कोई अविद्वान है? कोई भी ऐसा नहीं जो विद्वान ना हो। न स्वेच्छाचारी पुरुष है, तो स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहाँ होगी? बड़ी विचित्र बात है कि उस वक्त पिछड़े हुए लोगों का ये स्तर है, और फिर हम लोग इस तरह के व्यवहार को कैसे हम अपने लोगों में लाएंगे, जहां फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स की दुहाई देकर के हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये वाकई सोचने के लिए हमें मजबूर करती है। और आखिरी बात, और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई अत्याचार करने वाले राजा हैं, क्योंकि साथ ही वो खुद ये कह रहे हैं कि लॉ इज द रूलर ऑफ द रूलर, नो वन इज सुपीरियर टू लॉ, एंड लॉ एडेड बाय माइट ऑफ स्टेट एनेबल्स द वीक टू प्रिवेल ओवर स्ट्रॉन्ग। तो निश्चित रूप से आप अपनी ओपिनियन देखिए, आप अपने जो आज तक पढ़ा है, जाना है, समझा है, उसको हम विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। इसी सारे संदर्भ को देखते हुए आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में पितामह ने, भीष्म पितामह ने जो महाभारत में चर्चाएं की हैं गवर्नेंस को लेकर के, युधिष्ठिर के साथ चर्चा की है और सारी बातें हैं, तो उसके बारे में हम आज फोकस करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमने आमंत्रित किया है मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी को, जो आर्मी पोस्टल सर्विस से 21 वर्ष की सर्विस के बाद वहां से रिटायर हुए हैं। मैं ज्यादा उनके बारे में आप लोगों का परिचय नहीं कराना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, लेकिन ये बात वाकई प्रशंसा की है कि अपनी रिटायरमेंट के बाद और अपनी रिटायरमेंट से पहले भी वो निरंतर एक स्कॉलरशिप में लगे रहे हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज में लगे रहे हैं, अपनी बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ, जिसका जो परिणाम है हम देखते हैं 4 बुक्स उनकी पब्लिश हुई हैं और लगातार उनके न्यूज़पेपर्स में कॉलम भी पब्लिश होते रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरह के जो हमें वेबिनार सुनने को मिलते हैं, नए नए तरह के आइडियाज जिनमें पंचतंत्र में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इसी तरह से रामायण में जो है उनके सोशल साइंसेस के कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उन्होंने वाल्मीकि रामायण के आधार पे किए हैं, और महाभारत में अब वो ये सारी बातें हमारे सामने ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आधुनिकता से कहीं कोई विरोध है, लेकिन आधुनिकता में एक सेंस पैदा करना, एक सेंसिबिलिटी लाने के लिए हमें अपनी परंपरा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि केवल हम आधुनिक होने से जो सब कुछ अपनी बुद्धि से ठीक करके ले जाएंगे। इस बुद्धि को, इस इंटेलेक्ट को, इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। उस इंटेलिजेंस को अगर हमें वो महाभारत से मिलती है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, महाभारत में जितना डायनेमिक्स है वो आप सभी जानते हैं, परिचित हैं उससे, लेकिन अगर वो हमें सीखने को मिलता है, वो इंटेलिजेंस मिलती है, वो विजडम मिलती है, तो आज के युग में मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है, और पर्टिकुलरली इस कोरोना टाइम्स में उस सेंसिबिलिटी की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी को कि वो आज अपने वक्तव्य का, कि 21वीं शताब्दी में भीष्म पितामह के जो सुशासन तंत्र का उनका जो आइडिया है, जो प्रारूप है, जो उनकी अपनी समझ है, उस सारे से वो हमें परिचित कराए। मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी, मैं अपनी स्लाइड विड्रॉ कर लेता हूँ सर, आप उसके बाद कीजिएगा, 1 सेकेंड। धन्यवाद आशुतोष जी। यस सर, होपफुली माय ऑडियो इज क्लियर। यस यस, 1 सेकंड, मैं भी अपनी जरा स्लाइड को। जी सर, जब तक जनरल साहब अपनी स्लाइड शेयर कर रहे हैं, मैडम शशि जी अगर वो हैं तो वो अपना लिंक जो है वो सभी प्रतिभागियों के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर देंगे, ताकि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकें और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट उनको मिल जाए। जस्ट 1 सेकंड, आई एम ओपनिंग द पीपीटी। जी 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 सर, मैडम शिवानी जी प्लीज आप लिंक शेयर कर दीजिएगा बीच में, ताकि सभी लोग जो है वो उस लिंक को भर के अपना सर्टिफिकेट वेबिनार के बाद ले सकें।
नहीं, no problem. लोग ईमानदार हैं, वो जुड़े रहेंगे, आप चिंता ना करें. होपफुली मेरी पीपीटी की फर्स्ट स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. जी जी जी. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट द टुडे देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम एंड गूगल बाबा वाज स्लाइटली अनॉयड विद अस. सो ही सेड के यू डू दिस थिंग दैट थिंग एटसेट्रा. व्हेन वी वर ट्राइंग टू जस्ट फॉलो गूगल बाबा ही सेड दैट इट विल टेक सम टाइम. So I am extremely thankful to Dr. Ashutosh that he immediately jumped in and shared a fresh link, and now everybody is connected. Ashutosh ji ne bahut kuch jo hai wo clear kar hi diya hai, jisko kehte ke gagar mein sagar banakar pesh kiya hai, lekin kuch maine jo kaam kiya hai uske bare mein main aaj apne is PPT ke zariye I would like to share some of the things with you. Bhishma Pitamah's good governance in 21st century. Before I come to the Bhishma Pitamah's this thing, just some a few facts about Mahabharata. बचपन में मैं सोचा करता था कि घर में महाभारत क्यों नहीं है. तो मैं पूछा करता था from our parents, grandmother, कि रामचरितमानस तो है, वाल्मीकि रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है. And good number of people, they used to give me the standard reply that Mahabharata ko ghar mein nahi rakha jata kyunki isko rakhne se ladai ho jati hai. I could not understand it ke book ke rakhne se ladai ho jati hai. Agar book ko ghar mein rakhne se ladai ho jati hai to dusri achhi kitabon ke rakhne se kya kya nahi ho pata. I could not understand it. But if we just have a look some of the facts about Mahabharata. It is the longest epic poem ever written. Longest epic poem. कैसे? It consists of over 1 lakh shloka or over 2 lakh individual verse lines because every shloka उस एक couplet की shape में है. अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 2 lakh shloka वाली किताब why people will keep in their house, क्योंकि 1.8 million words जो इसमें in totality में है and it is 4 times the length of Valmiki Ramayana. तो वाल्मीकि रामायण इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ 1800 A4 साइज पेपर, देन उससे 4 गुना बड़ी किताब वो घर पर नहीं रखेंगे. अगर रखेंगे तो इनको पढ़ेगा कौन? तो मुझे ये लगा कि इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए बहाना मारो ना रखने का, कि अगर होगी तो शायद कभी कोई पूछे कि आपने किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन ये इतनी बड़ी किताब है, इतने बड़े वॉल्यूम है कि इनको घर में शायद रखा ही नहीं जाता था, कि दूर से ही सलाम कर देते थे या माथा टेक देते थे. यही प्रॉब्लम है. हमने क्या किया कि अपने महाग्रंथों को सलाम ही किया है, माथा ही टेका है, अगरबत्ती ही दिखाई है, उनको कभी खोलकर अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश नहीं की. हाँ, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचा, जनमानस तक पहुंचाया भी, और उसमें से बहुत सारी चौपाइयां हैं जो जिंदगी की फिलॉसफी है, उसमें विजडम भी है, सब कुछ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण और महाभारत इसको इन डिटेल पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों के पास देयर वाज नो नॉट मच टाइम आल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लेंथ, इन इंडियन ट्रेडिशन इट इज समटाइम्स कॉल्ड द फिफ्थ वेदा एंड देयर आर टोटल 18 पर्व्स और द बुक्स, और हर पर्व और बुक के अंदर फिर सब बुक्स आती हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपाइलेशन है महाभारत की. ओके, इफ दिस इज द सिचुएशन एज फार एज माई टूडेज प्रेजेंटेशन इज कंसर्न और द टॉपिक इज कंसर्न, मैं इसमें शांति पर्व और अनुशासन पर्व उसमें से कुछ पोर्शंस को आई हैव पिक्ड अप. व्हाट हैपेंड? युद्ध तो हुआ और उसमें सबको मालूम है भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए, उनकी पिक्चर हमने जो है सीरियल्स में देखी है, एंड इज लाइंग देयर एंड इट इज सेड दैट द उनको इच्छा मृत्यु का वर था, विच मीन्स के वो अपनी इच्छा से ही अपने प्राण त्याग कर सकते थे, ऐसे नहीं मर सकते थे. So for about good number of days, I think 18 days, he was lying there. अब जो बानु की शैया पर लेटे हुए हैं, युद्ध खत्म हो गया है, युद्ध में विजय प्राप्त हो गई है, and युधिष्ठिर और श्री कृष्ण और बाकी पांडव उनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़कर they are requesting him कि भीष्म पितामह आप हमें बताइए कि good governance, अब मैं शासन कैसे करूं, which are those principles which I should follow, I have won the battle. अब ये हर रोज जाते हैं वहां पर, हर रोज जाने के बाद
Every day, Bhishma Pitamah is telling him about some tips about good governance, which have been explained in detail in Shanti Parv and Anushasan Parv. अब मैं उनकी एक छोटी सी समरी बनाई है फॉर अबाउट 25 टू 30 मिनट्स बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर एंड स्पेशली आई हैव सीन दैट द इन कंपैरिजन टू वाल्मीकि रामायण महाभारत इज ए टफ बुक इट इज मच मच टफ सो इट टुक मी गुड नंबर ऑफ डेज टू अंडरस्टैंड इट एंड फर्दर टू सिंप्लीफाई इट सो दैट इट शुड नॉट बी अननेसेसरली टू फिलोसॉफिकल एंड बोरिंग ऑल्सो एनी हाउ शांति पर्व एंड अनुशासन पर्व वहां पर क्या हो रहा है युधिष्ठिर इज आस्किंग ए फ्यू क्वेश्चंस This is a summary of the questions which Yudhishthira has asked continuously for good number of days. Which are the questions? He asks, Pitamah, please tell me what is governance? What are its forms? What is its purpose? How it has originated? What should be its structure? And how does governance keep vigilant in the service of the people? So these are the basic questions. Which a king who has become the victorious is asking to the person who is the most learned and respected warrior as well as the friend, philosopher and the guide of Kauravas and the Pandavas. So Yudhishthir is asking these questions. Now based on these questions, the sermon which is given by Bhishma Pitamah, I will be sharing with you people. But before we straightway come to principles of good governance, you just assume in your mind that today's situation also. You assume in your mind that whether the things are happening in that manner or in which manner should have happened or should happen in future also. No. Bhishma Pitamah, before answering to him, is explaining about the foundations of law and governance. He says, Yudhishthir, you must try to understand certain basics. As we say that fundas should be clear. Unless the fundas are clear, you cannot proceed further. So which fundas should be clear? Bhishma Pitamah says, Yudhishthir, initially there is only an individual. That individual is living in his close family. And his family grows, then there is a cluster of families. And from cluster of families, he forms a tribe. The same thing I explained briefly in one of my earlier webinar of people, power and politics also. So once that the individual's relationship grow, then his social relations, they also grow accordingly. Once there are social relations, what will happen? Question comes, how to regulate and by whom? Because there are bound to be conflict of interest, conflict of so many things, likes, dislikes, whatever may be, there will be conflict in overall conflict. Now there is a need to have some proper authority which should control and regulate the conflicts. And that authority must have certain principles to settle the conflict. Okay, if this is a situation, here comes the concept of law, which means that those principles, they take the shape of law. Ashutosh ji ne shuru mein bataya tha ke law is the ruler of rulers. No one is superior to law. इसी बात को भीष्म पितामह उस वक्त भी कह रहे हैं कि आपको एक ऐसा नियम और कानून बनाना पड़ेगा ताकि उन संबंधों को रेगुलेट किया जाए हाँ इसका उसकी जो शब्दावली है द टर्मिनोलॉजी विच भीष्म पितामह हैज गिवन इज स्लाइटली डिफरेंट वो आने वाली स्लाइड्स में आई विल शो टू यू बट फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोशल रिलेशंस एंड टू रेगुलेट द रिलेशंस देयर इज अ नीड ऑफ ए कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ देन क्वेश्चन कम्स दैट फॉर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ देयर शुड बी सम पावर and power should be legitimate source of power which can control regulate administer and make sure that the laid down rule of law is being followed by the society ab aap main ya thoda sa halka sa aapko jo hai rukta hu isse those who are students of political science or those who are well versed with the western political thought I'll just take you them to the western concept philosophy taught to us and known to us by Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau. Ye jo French the, Jean-Jacques Rousseau, he was the third person. Now, a Hobbes, Locke, Rousseau, ye tino jo hain, ek power ki baat karte hain, ek authority ki baat karte hain, ek autocratic power ki baat karte hain, of which that the Hobbes says that there has to be a king or state which should have all the powers. It should be absolute in power. But when John Locke came, he said, no,
there need to be limitations on the power of the king also. And when Rousseau came, he said that there should be separation of powers also. What I'm trying to say, that in 19th century, what Locke, Hobbes, Rousseau said, and at the similar time that the John Stuart Mill in England, he mentioned about Essays on Liberty, and Professor Harold Laski, who is considered the messiah of political science, what they were telling us was nothing but Bhishma Pitama told to Yudhishthira during Mahabharata time. जब डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि कहीं कुछ गुम हो गया है, बहुत कुछ गुम हो गया है, और उसको हमने वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट में आकर उनको सैक्रोसेंट और परफेक्ट मान लिया, वाइल द रियल नॉलेज एंड विजडम विच इज लाइंग इन अवर बुक्स उनको हमने अगरबत्ती दिखाकर साइड में कर दिया. एनी हाउ आई विल कम बैक टू दैट. सो भीष्म पितामह से दैट टू रेगुलेट द रूल ऑफ लॉ there has to be legitimate source of power, and the manner of usage should also be laid down, and there should be limits on the usage of power also. देखिए वो बात आ गई ना rule of law. जब British Parliament कहती है कि rule of law को follow किया जाएगा, Indian Constitution कहता है कि rule of law को follow किया जाएगा, यही बात तो भीष्म पितामह कह रहे हैं. जब भीष्म पितामह ये बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये थे भी के नहीं थे, ये outdated बातें हैं. But the same thing when it is communicated via British Parliament, then we say कि देखा rule of law की बात हो रही है. So manner of usage and limits on power, which means that ultimately rule of law or the dand word is used there. Dand is the most crucial and the important thing. And there should be freedom also. It should not be there should be restrictions. There should be freedom also. And to make sure that the people live freely, there are restrictions also, freedom also, and justice also. This is the whole gamut has been explained in detail to Yudhishthira by Bhishma Pitama. मैंने उसमें से जितने भी श्लोक थे उनकी एक एक लाइन की एक एक वर्ड की ये समरी निकाली, so that the social setup or the political game, political scenario, that should be clear to us. From individual to society, how a person should move and what type of scenario should be there. Okay. अब मैं आपको धीरे धीरे गवर्नेंस की तरफ को लेकर चलता हूं. गवर्नेंस पर आने से पहले एक और चीज. महाभारत में भीष्म पितामह तीन चीजों की बात कर रहे हैं, धर्म, राजधर्म और गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस का उसमें संस्कृत के श्लोक का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मैंने उसी में से उठाया वर्ड गुड गवर्नेंस. ओके, जरा इसको समझते हैं. धर्म, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मिसइंटरप्रेटेड वर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज धर्म. धर्म का मतलब क्या? हिंदू धर्म, सिख धर्म, क्षत्रिय धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बस इससे ज्यादा हमें मालूम ही नहीं है. The moment the word dharma is used, हम सोच लेते हैं कि rituals, ceremonies, किसी को follow करने वाला, इसी को धर्म बोलते हैं. In महाभारत धर्म को क्या explain किया गया है? अब मैं यहाँ पर एक ऐसे बैठे-बैठे सोच रहा था, then this illustration came to my mind and I discussed with my wife that just correct me, and I was saying कि सूरज का निकलना और सारी दुनिया को रोशनी देना उसका धर्म है. चांद का आना और सारे दुनिया में चांदनी फैलाना उसका धर्म है. हवा का चलना उसका धर्म है. पानी का बहना उसका धर्म है. आग का जलना उसका धर्म है. तो ये बीच में ये क्या टर्मिनोलॉजीज आ गई, हिंदू धर्म और सिख धर्म और वो धर्म? अगर दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच हैव बीन मेंशनड इन महाभारत बाय भीष्म पितामह, देन इट सेज दैट धर्म इज टू चेरिश, नर्चर, इंक्रीज एंड एनहांस ऑल लिविंग थिंग्स. अगर पानी का ये धर्म है, सूरज का ये धर्म है, तो एक इंसान का क्या धर्म है? एक राजा का क्या धर्म है? तो भीष्म पितामह इस तरह से युधिष्ठिर को ये समझाते हुए उसको राजधर्म की तरफ लेकर जाते हैं, विच आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू दैट भीष्म पितामह सेज दैट धर्म इज टू सपोर्ट, टू सस्टेन, bringing together and upholding all living things. हर चीज का अपना एक रोल है, उसका एक असर है, उसका एक प्रभाव है. उस चीज को जो है मैक्सिमम उससे जो है लिया जा सके, उसको सपोर्ट करना और वो कहीं जो है लेफ्ट राइट ना चले जाए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाना, ये होता है धर्म. एंड धर्म इज टू सिक्योर फॉर ऑल लिविंग बींग्स फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस. ये है धर्म.
सो धर्म की डेफिनेशन महाभारत में इस तरह से दी गई है. सो वंस भीष्म पितामह एक्सप्लेन्स इन डिटेल अबाउट धर्म देन ही सेज कि ये तो हो गया धर्म की डेफिनेशन. तो राजधर्म क्या है? यहां से प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस स्टार्ट होते हैं. ही सेज युधिष्ठिर एज ए किंग व्हाट इज योर धर्म, योर धर्म एज अ राजधर्म जिसको उसमें वर्ड यूज किया वो क्या है? देन ही सेज प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल इज योर द फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ओके, इफ दिस इज द थिंग व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन. यहां पर उसमें है युधिष्ठिर के बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं. He is raising frequently questions and Bhishma Pitamah is answering also. And the interesting thing is that Lord Krishna is just there smiling, nodding, agreeing, supporting, whatever you call it. So when he says ke your Raj Dharma is to protect the people, but protection from whom? Protection from fear. When Yudhishthira asks what type of fear, then Bhishma says fear of him means king. From the fear of others, from the fear of each other, from the fear of things which are not human, can be unnatural and different type of things also. So as a king, your first Raj Dharma is to protect the people. Now you come to the 21st century. Kya ye shasan prashasan ka dharma nahi hai ke lawlessness na ho? You pick up the newspaper and every day say that the how many rapes, loot, murders, dacoities are taking place. People are feeling themselves not safe at all. Women are not feeling themselves safe at all. This is the first Raj Dharma of the government, of the administration, of the police, whichever may be the wings to support the king or the state to protect the people. That he says, this is your first Raj Dharma to protect the people. And protecting the small fish from the big fish. Dekhe, kya baat hai? Ek hi line mein Bhishma Pitamah ne sari cheez clear kar di. स्मॉल फिश को बड़ी फिश से बचाना है. और होता यहां पर क्या है इन 21st सेंचुरी, बड़ी फिश दूसरी बड़ी फिश को बचा कर रखती है कि मैं भी बचूं तू भी बचूं ताकि हम मिलकर जो है छोटी फिश का शिकार करते जाए. दिस इज हैपनिंग एंड वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस इन इंडिया, वी टॉक अबाउट राम राज्य इन इंडिया. दिस वॉज द राम राज्य और वट एवर यू कॉल इट द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस. एंड भीष्म पितामह टेल्स दैट स्टेट मस्ट नॉट टर्न इन टू द बिगेस्ट ऑफ फिश ऑफ ऑल. कहीं ऐसा ना हो कि राज्य ही एक बड़ी मछली बन जाए. अगर हो वो हो गया तो ये अधर्म होगा. अब देखिए द डेफिनेशन ऑफ धर्म एंड अधर्म क्या दिया और हमने क्या मान लिया. वो टच कर गए, उसका जूठा खा लिया, वो मेरे मंदिर में घुस गया, मैं उसके उधर चला गया, मैंने ये कर दिया. हम इन सारी चीजों में उलझ कर बैठ गए, उसको हमने अधर्म मान लिया. And what he says, if king, you turn to be biggest fish, it means you will neither be following the dharma nor the raj dharma, you will be following a dharma. This is your first and foremost task of duty as a king. Then, after that, protection has wider meaning in Mahabharata. Jo maine shuru mein kaha tha na, protection. Protection hai, usko dar hai, usko social relations hai, बड़ी मछली है छोटी मछली है. ये तो एक नैरो मीनिंग है. इट इज ए वाइडर मीनिंग इन महाभारत. व्हाट इज द वाइडर मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन इन महाभारत? इट सेज दैट क्रिएटिंग कंडीशंस ऑफ पर्सनल एंड सोशल बॉन्डिंग. प्रोटेक्शन मतलब ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना सो दैट पर्सनल और सोशल बॉन्डिंग बढ़ती जाए. दैट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन नॉट बट नेचुरल व्हेन देयर इज नो फियर, देयर इज नो एनक्रोचमेंट, there is no something in your mind also, only then the conditions will be conducive for your personal and social bonding. And Bhishma Pitamah says, building elements of trust and friendship based on which caring for individual as well as society, and instruments of protection are law and governance. Ab instruments of protection, law and governance, isse upar jo kuch bhi hai वो राजा का धर्म है, राजधर्म है. प्रोटेक्शन देना, ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप लेकर आना, सोसाइटी और इंडिविजुअल के लिए केयर करना, और इन सबको करने के लिए जो सबसे पहले इनिशियली द भीष्म पितामह एक्सप्लेन्ड दैट देयर इज अ नीड फॉर सम पावर एंड लेजिटिमेट पावर. ही सेज टू मेक श्योर दैट दिस थिंग हैपेंस यू नीड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस. आशुतोष जी ऑडियो वीडियो क्लियर है?
इज माय ऑडियो क्लियर है क्लियर है ओके ऐसा ना हो कि गूगल बाबा नाराज हो गया हो बीच में नहीं 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 एनी ओके थैंक यू सो इफ दिस इज अ सिचुएशन देन व्हाट आर द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ गवर्नेंस अब उसके बाद भीष्म पितामह एक्सप्लेन्स टू युधिष्ठिरा भाई ये तो ठीक है ये मैंने तुम्हें फिलॉसफी बता दी बट यू हैव टू वर्क एज ए किंग व्हेन यू वर्क एज ए किंग देन व्हिच आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गवर्नेंस व्हिच यू शुड फॉलो नाउ यू ट्राई टू थिंक टुडेज सिनेरियो यू थिंक अबाउट इन 21st सेंचुरी आप अपने मन में वो सारी चीजें लेकर आइएगा डिसिप्लिन ऑफ धर्म इज द डिसिप्लिन ऑफ द किंग ओके The king who tries to discipline his subjects without first to discipline himself becomes an object of ridicule. मुझे लगता है शायद प्राइम मिनिस्टर इस बात को जानते थे शायद इस बात को समझते थे शायद उनको इस बात के बारे में अच्छी तरह से मालूम था That's why he made a statement about 7 or 8 years back. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा So this is that he says कि आपको पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना है अब यहां पर जब किंग को डिसिप्लिन करने की बात आती है देयर आर 36 टाइप ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस व्हिच ए किंग इज सपोज टू फॉलो आई हैव नॉट प्रिपेयर द लिस्ट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट मैंने सोचा कि वो फिर कुछ अलग तरह का हो जाएगा सो दोस 36 टाइप ऑफ कंडीशंस ऑफ डिसिप्लिनरी रिस्ट्रिक्शंस और यू नॉर्म्स व्हाटएवर यू कॉल मी ही सेड दिस यू हैव टू फॉलो अब Some of you might be saying कि क्या कौन फॉलो करेगा भाई अगर आप युधिष्ठिर हो अगर आप एक शासन करना चाहते हो अगर आप दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हो तो आपको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि आज हमारा देश सारी दुनिया में और एशिया में अपना नाम कमाए कैसे कमाएगा हेराफेरी करके करप्शन करके वायरस फैला के नहीं उसके लिए आपको कुछ सर्टन पैरामीटर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा And those parameters have been laid down in our scriptures that you follow these disciplines. If you follow, then everybody will follow. बाढ़ ही खेत को खा रही है ये कहावत ऐसे नहीं बनी अगर शासक जैसा होगा वैसी ही प्रजा भी होगी Then he says, main purpose of power of governance is to control the lawlessness, not to accumulate wealth. Then he says, Yudhishthir, दौलत अब आपको याद होगा एक मैंने एक वेबिनार किया था एथिक्स इन इकोनॉमिक्स बाद में जब वो वेबिनार किया मुझे लगा कि मैं उस वेबिनार के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाया मैं थोड़ा सा उसमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की बात के ऊपर चल पड़ा एक्चुअली पंचतंत्रा में व्हेन दे टॉक अबाउट द एथिक्स इन इकोनॉमिक्स और एथिकल इकोनॉमिक्स दे डोंट टॉक अबाउट दैट द सोना चांदी हीरा रुपया डॉलर They talk about those real things which have value. And Corona ने बहुत सारे अरबपतियों को भी एक सबक सिखा दिया है कि पैसे की वैल्यू जो है वो क्या है और करेक्टर की वैल्यू और आपके रेपुटेशन की वैल्यू वो क्या है तो पंचतंत्रा में भी इसी बात को कहा गया है when it says about the ethical economics that ethical economics is the real thing same thing usse pehle bhishma pitama ne mention ki ke jo paisa ikattha karna chandi sona ikattha karna ye wealth nahi hai tumhari asli wealth jo hai lawlessness ko control karna hai and Yudhishthir you just remember that there is nor is there any everything in this world perishes nor is there anything which is not transitory Remaining steadfast in dharma, the king should take care of the people in the light of dharma. अब ये धर्मा वर्ल्ड वही है, धर्मा वर्ल्ड वही है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और उसको गवर्न करने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए, किंग हैज टू डू द परफॉर्म हिज राज धर्म, विच इज टू बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस फियर एज द सोर्स ऑफ गवर्नेंस देखिए भीष्म पितामह एक नया वहां पर एक डायमेंशन दे गया मेरे को दो दिन लगे इस बात को जो है उसमें से निचोड़ निकालने में क्योंकि इसमें इतने ज्यादा श्लोक थे समझ में ना आए एंड आई वाज कंसल्टिंग डॉक्टर आशुतोष के भी मुझे लगता है कि पता नहीं आई विल बी इन ए पोजीशन टू जस्टिफाई दिस वेबिनार और नॉट लेकिन फिर भी मैंने कुछ उसमें से जो 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 क्रीम निकालने की कोशिश किया फियर एज द सोर्स ऑफ गवर्नेंस व्हाट ही सेज दंड और द गवर्नेंस इज द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड द फियर ऑफ पनिशमेंट इज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस
जब मालूम ही है, चाहे रेप कर लो, चाहे मर्डर कर लो, चाहे वो मर्जी कर लो, हमने बेल मिली जानी है, शाम को घर आ ही जाना है, सो द पर्सन विल कंटिन्यू टू कमिट द क्राइम। जब मालूम ही है कि उसके बाद हमने कैबेट डाल कर देनी है, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, हमने एविडेंस वीक कर देने, हमने प्रोसिक्यूशन का केस भी करवा देना, तो क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दे न्यू अबाउट दीस थिंग्स, दैट्स व्हाई दे से दंड और द गवर्नेंस इज अ बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड फियर ऑफ रूल्स सिक्योर्स द वर्ल्ड फ्रॉम एनार्की, कीप्स द पीपल ऑन द पाथ ऑफ प्रॉपर कंडक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। बड़ी एक गहरी बात वो वहां पर आकर कह गए भीष्म पितामह। क्या गहरी बात कह गए? रेयरली इज ए पर्सन फाउंड हु इज गुड एंड क्लीन बाई नेचर, ओनली आउट ऑफ फियर एंड नॉट ऑफ गुडनेस मोस्ट पीपल कीप विद इन बाउंड्स। अगर हम हमारी फैमिली में भी ऐसे लोगों की फैमिली में होते थे, हमारे हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ऐसे बुजुर्ग होते थे, जो बच्चे क्या करते थे, उनसे बड़ा डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? क्योंकि उन लोगों की एक पर्सनैलिटी होती थी, उनमें एक ऑरा होता था, उनमें एक करेक्टर होता था, वो कुछ प्रिंसिपल्स को जिंदगी में फॉलो करते थे, और वही प्रिंसिपल्स की वजह से लोगों को, बच्चों को, आते जाते लोग जो है उनको नमस्ते, जय हिंद, प्रणाम करते थे, और बहुत सारे रिलेटिव्स छोटे जो है दूर रहते थे, तो डर लगता है। डर किस चीज का लगता था? क्योंकि वो ऊंचे थे, वो बड़े थे, वो जो डर है, वो डर ही है जिसकी वजह से भीष्म पितामह कह रहे हैं कि लोग जो है वो बंदे बनकर रहते हैं। गुडनेस तो है ही है, लेकिन डर की वजह से, और ये डर उनमें गुडनेस की वजह से भी आता है, किसी भी तरह से आओ, लेकिन ये फियर इज द सोर्स ऑफ गवर्नेंस विच भीष्म पितामह हैज एक्सप्लेन टू युधिष्ठिर एंड ही सेज ही टॉक्स अबाउट फियर ऑफ अधर्म फॉर द रूलर आल्सो। भाई कहता राजा, ये तेरे को भी ख्याल रखना है, ये नहीं कि तुम्हारे पास दंड की पावर आ गई है तो तुम जो है अब सबसे ऊपर हो जाओगे, तुमको भी ख्याल रखना है, अदरवाइज तुम अधर्म के रास्ते पर चल पड़ोगे। डिराइविंग हिज पॉलिटिकल एंड मॉरल अथॉरिटी फ्रॉम धर्म एज जस्टिस एंड फ्रॉम जस्टिस एज ट्रुथ, ही मस्ट फियर मोर देन डेथ हिज ओन एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड अनट्रुथ। मतलब अगर तुम सारी उम्र जो है अपने शासन में ये पैसा ही कमाते रहे या लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी दौलत ही इकट्ठी गए, तो तुम धर्म की बजाय अधर्म के रास्ते पर चल रहे होगे, तो तुमको अपनी मौत से ज्यादा इन अनजस्टिस करने वाले और झूठ बोलकर ये काम जो कर रहे हो, अधर्म के रास्ते पर जो चल रहे हो, इससे ज्यादा डरना चाहिए। तो धर्म और अधर्म को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। दैट्स व्हाई आई मेंशन इनिशियली इन माय स्लाइड दैट द मोस्ट मिसइंटरप्रेटेड वर्ड इन द हिस्ट्री इज द वर्ड धर्म। अब देखिए, आज हम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आई वॉज जस्ट रीडिंग ए बुक रिटन बाई डॉक्टर Montek Singh Ahluwalia, Backstage. This book is actually, it's a very good reading. It's about that the how the process of liberalization took place when he was finance secretary and Dr. Manmohan Singh initially was finance minister and then later on he was the prime minister, and what type of policy decisions were taken by them, and what type of import, export, liberalization, tax reforms, etc. took place. And in that book, Dr. Ahluwalia mentions about our scriptures. He quotes Dr. Manmohan Singh, and Manmohan Singh mentions about these scriptures. And these scriptures, especially Bhishyam Pitama's sermon on financial management, I have taken as a slide, lawful sources of revenue. Kya baat hai? Kya baat kahi un logon ne? Kahan se itna inke paas dimaag hota tha? He says, treasury is a source of power. And on power depends kinghood. But the power of king depends on whether by spending his wealth, he has ensured the welfare of his people. Summary aa gayi sari. Sari summary jo hai raja ki, shasan ki, revenue ki, money ki, isme aa gayi. Ke bhi satta hai, gareeb ho to koi nahi puchega, ameer ho to tabhi aapke paas power hai. Aur power jo hai kiske upar depend karti hai? Ke usko aap kis tarah se istemal kar rahe ho. And he says, king should act like a gardener and यहां पर एक वर्ड नॉट मैम टाइपिंग में मिस्टेक होगी, एंड नॉट लाइक ए कोल माइनर। किंग शुड एक्ट लाइक ए गार्डनर एंड नॉट लाइक ए कोल माइनर। कोल माइनर तो उसमें से कोले की खदान निकालता जाएगा और बाद में पता चलेगा सर ये तो अब इसमें 10 साल का स्टॉक रह गया, 15 साल का स्टॉक रह गया, और उसके बाद जो है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ को चलो, कोयला छोड़ो, आप कोई पेट्रोल या ऑयल या कुछ और देखो, विंड एनर्जी देखो,
और अगर आप गार्डनर की तरह हो देन यू आर नर्चरिंग इट, आप तो उसमें फूल खिला रहे हो, आप उसमें से और लगा रहे हो और बीज बना रहे हो, तो आपका बगीचा तो फैलता ही जाएगा. सो किंग शुड एक्ट लाइक ए गार्डनर एंड नॉट लाइक ए कोल माइनर, एंड 1/6 ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिविजुअल लैंड शुड कम टू द किंग्स ट्रेजरी. देखिए ये लॉफुल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात है विच हैज बीन एक्सप्लेन. 1/6 ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिविजुअल लैंड शुड कम टू द किंग, एंड इरीगेशन सेस शुड ऑल्सो बी इम्पोज ऑन दैट, एंड टैक्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ आर्टिसन शुड ऑल्सो बी देयर, एंड टोल्स एंड ड्यूटीज ऑन ऑल काइंड्स ऑफ मर्केंटाइज शुड बी देयर. आपने देखा अगर कोई बीमार है या कैसे भी पर्सनल काम से भी जा रहा है तब को आपको टोल प्लाजा देना पड़ता है, बट ही सेज टोल्स एंड ड्यूटीज ऑन ऑल काइंड्स ऑफ मर्केंटाइज ओनली. प्रोटेक्शन टैक्स ऑन कैरेवान ऑफ ट्रेडर्स, ताकि कोई उनको लूट ना ले, इसलिए जगह जगह आपने जो है अपने सिपाही रखे हुए हैं, चौकियां एस्टेब्लिश की हुई हैं, उनको प्रोटेक्शन कर रहे हो. फीस ऑन द यूज ऑफ वाटरवेज जो है उसके ऊपर भी आप लगाइए. मनी कलेक्टेड एज फाइन्स भी लगाइए अगर कोई गलत काम कर रहे हैं. स्पेशल टैक्स भी लगाइए वेल्थी मर्चेंट्स के ऊपर. हमारे भी यहां पर इनकम टैक्स स्लैब, देर आर डिफरेंट स्लैब्स बट द स्लैब्स एंड एट एक्स अमाउंट. व्हाट इज द स्लैब फॉर अनिल अंबानी एंड माई स्लैब, हाउ मच इज द डिस्पैरिटी बिटवीन द इनकम एंड व्हाट इज द डिस्पैरिटी इन द टैक्स स्लैब. सो स्पेशल टैक्स ऑन वेल्थी मर्चेंट्स. कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग एक्सटर्नल थ्रेट हो तब भी जो है वो लोग जो है सरकार को एज ए लोन जो है पैसा देंगे. लॉफुल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को व्हेन भीष्म पितामह एक्सप्लेन टू युधिष्ठिरा देन ही सेड, युधिष्ठिरा no nation can progress where the people are squeezed unlawfully. Yesterday only my daughter, she got the payslip and she said that the 7500 has been deducted as a tax. I said ke itna thoda jo tumhara tax to mere hisab se zyada banna chahiye. So ultimately if your x percentage amount from salary is being taken as tax, whether you are happy, satisfied, dissatisfied or you have been squeezed, that has to be taken care of by a king, otherwise the nation cannot progress. Taxes must be high or low according to the capacity of the people, on no account to be oppressive. Aaj hum income tax ki baat karte hain, taxation ki baat karte hain. 5000 saal pehle, kitne hazar saal pehle Bhishma Pitamah is cheez ko explain karke chale gaye ki theek hai bhai, now you create the formulas and capacity to pay must be carefully investigated. And while assessing the capacity, regard must be paid to production expenses, loans incurred, losses that might take place. Farmer to har bar jo hai chillate hain, barish aa gayi, ole pad gaye, baad aa gayi, meri fasal barbaad ho gayi, and we say that he will be compensated. You see that the all these things what we are doing nowadays are is just that the eyewash, peanuts. We don't follow the proper laid down policy. We don't follow the proper procedure. We just do that the stopgap type of arrangements, and that's why that the our GDP, our growth is just whatever the percentage there. So what I'm trying to say is that Bharat kya tha, kya ho gaya aur kya ho sakta hai, isme koi shak nahi ki dev sone ki chidiya banne ke liye intezar mein hai, but only that the principles of good governance have to be followed. Iske baad Bhishma Pitamah, he says ke ye to ho gaya, दंड भी हो गया, फियर भी हो गया, बट किंग हैज टू बी इम्पार्शियल एंड पीपल शुड हैव ट्रस्ट इन गवर्नेंस आल्सो. या मैं थोड़ा सा यहां पर स्लाइड को दिखाने से पहले रुकता हूं. जब मैं ये पढ़ रहा था महाभारत का, तो मेरे को एक दो बड़े उसमें से कनेक्टेड रेफरेंसेस से मिले. अब कनेक्टेड रेफरेंसेस क्या है, नारद मुनि एक ऐसा करेक्टर है जिसका हमने सबने मजाक उड़ाया, फिल्मों ने मजाक उड़ाया, सीरियल्स ने मजाक उड़ाया, और नॉर्मली वी यूज दिस टर्मिनोलॉजी टू सम पीपल के दैट ही इज ए नारद मुनि. ये कहते हो कि इसका काम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना है. अरे क्या बात है. अब उनका काम क्या है ये तो मैं नहीं जानता, बट इफ यू रिमेंबर दैट महाभारत में प्रसंग आता है जब पांडव लक्ष्य करार बनाकर उसमें रह रहे हैं. जब उसमें वो रह रहे हैं तो वहां पर एक दिन नारद मुनि उसी वक्त बन गया जब वो, तो वहां कर वो उनको मिलने आते हैं. At that time, Narad Muni is asking some questions to Yudhishthira that if you become king, will you be doing A, B, C, D, E, F, G, H? Those A, B, C, D, E, F, G, H are nothing but principles of good governance. And from that reference, it came to my mind, a separate webinar can be done on principles of good governance as explained by Narad Muni. Anyhow,
इम्पार्शियलिटी ट्रुथ एंड ट्रस्ट इन गवर्नेंस, इसके बारे में भीष्म पितामह क्या कहते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ धार्मिक लॉ इज किंग शैल नॉट पनिश वन फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय अनदर. King should know the principles of punishment and the very element of law and governance is the attitude of impartiality. Impartiality. Na ma, na pita, na bhai, na patni, na uska pujari ya devta. No one is above the law. Hoge na rule of law ki baat? Hoge British Parliament ne jo rule of law ki baat kahi thi, jisko US Constitution ne kaha hai, jisko humne apne Indian Constitution mein रेफरेंस किया है, बट वी हैव नॉट एडॉप्टेड इट फुली इन अवर प्रोसीजर्स इन अवर कोर्ट्स. इट्स ओनली आफ्टर किंग हैज हर्ड विद प्रेजुडिस बोथ साइड्स इन अ केस, हैज रिफ्लेक्टेड लॉन्ग एनफ टू कम टू द राइट कंक्लूजन, हैज कंसल्टेड दोज हु नो द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, हैज केयरफुली एग्जामिन्ड द नेचर ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस, हैज टेकन इनटू कंसीडरेशन द कॉन्टेक्स्ट एंड द सर्कमस्टांस, has understood what is justice, what is injustice, then the king should punish a person. Sara judiciary ke liye guidelines yahan par banakar de di Bhishma Pitamah ne. These are the principles which you have to follow. Ab inhi ke basis par aap apne Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, wo saro ko lay down karo. That is the base on which he said your judiciary system and the trust of the people towards governance should be. Bas ek ya do slides aur rahi hain. Dharma of governance. Dharma of governance. Dekhiye, when the king with his heart and speech and body, heart, speech, body, protects the people, does not pardon a wrongdoing even by his own son, that is called dharma of governance. When the king tends to the weak and the helpless, not only then and only then to himself, that is called dharma of governance. When king protects the nation, subdues the robbers and thieves, and is victorious in battle, that is called dharma of governance. When king punishes a wrongdoing, even by one dear to him, that is called dharma of governance. When king protects the merchants, does not transgress his limits, that is called the dharma of governance. When the king donates liberally to the rites of invocation to the gods, that is called the dharma of governance. When the king increases his friends and limits his enemies and honor those who are good, that is called the dharma of governance. And when the king preserves in truth with sincerity, gives lands to those who deserve to be taken care of, that is called the dharma of governance. Thank you very much. Thank you, General Sir. It's a wonderful presentation. I really congratulate you for this presentation, but before that, I think we need some comments, some queries, some questions, and anything, any inquiries, they are most welcome. Sir? Dr. Ravindra ji? Hanji. Ji, sir. सर मैं आ सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी कैथल से आइए कैथल से. जनरल साहब बहुत बहुत आपका आभार, एक बहुत ही उपयुक्त तो प्रासंगिक विषय को लिया आपने. और इसमें सर मैं पहले तो एक में भीष्म पितामह को जिस संदर्भ में कहा उद्धृत किया गया था वो आज भी बहुत ही अधिक प्रासंगिक है, तो कृपया पहले तो मुझे छोटी टिप्पणी है वो ऑब्जर्वेशन उनको मैं कोट करना चाहता हूँ. पहली कोटेशन है सर शेठ गोविंद दास जी की, जब उन्होंने ये कहा, ये संदर्भ यह था कि जब मुस्लिम लीग संविधान बन रहा तो बायकॉट किया था और अंग्रेज कह रहे थे कि जब तक वो नहीं आएंगे तो ये संविधान सभा कार्य नहीं करेगी. तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था, वी डू नॉट वॉन्ट वार, we want peace, we neither want to fight with the Muslims nor with the British government. If however the British government wishes to fight with us, making Muslims their shikhandi, we will not do what Bhishma Pitamah did.
We will not lay down our arms because Shikhandi is made to stand against us. सर इस कोटेशन को यदि आज आप पाकिस्तान और जो टेररिस्ट है उनके संदर्भ में लेकर बड़ी उपयुक्त है। और सर इससे एक दूसरी महत्वपूर्ण जो आज जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ सरकार और अपोजिशन के संदर्भ में वो We find Bhishma and Arjun fighting in opposition to each other, and there Bhishma tells Arjun how to kill Bhishma himself. In the same way, I think government is good, which creates and encourages opposition, and which is always ready to retire. A government which does not like opposition. Always wants to be in power is idiotic, but a traitor. जी केवल मैंने आपकी पुकार से भीष्म पितामह को कोट किया गया और जो राम नारायण सिंह जी ने कहा आज के संदर्भ में उसका विश्लेषण उपयुक्त होगा। और अब सर एक दो मेरी क्वेरी है छोटी सी ज्यादा नहीं है। जब आपने सर कहा गुड गवर्नेंस में राज तो यहाँ सर मेरे को दो प्रश्न मेरे आते हैं कि भीष्म पितामह अपने जीवन में फियर को क्रिएट करते हैं दिखाई दे रहे हैं मेरे को कि जब वो अंबा अंबालिका और अंबिका का अपहरण करते हैं और दूसरा वो उनका टोटल फेलियर है मेरे दृष्टिकोण से कि जब वो द्रौपदी के चीरहरण को नहीं रोक पाते और वो एक मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। तो क्या उनके ये जो दो कार्य हैं उस राजधर्म के विपरीत नहीं है? इस पर मैं आपकी विचार जानना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं बोलूं क्या? हाँ जी हाँ जी आप उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल ठीक कही गुप्ता जी आपने बात बिल्कुल सही कही है। ये अंबा वाला जो इंसिडेंट है और स्पेशली द्रौपदी वाला मैं इसको कहूंगा कि इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो रह जाते हैं। आप उसको क्या कहेंगे, एक कमी कह लीजिए, शॉर्ट कमिंग कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए, या उस वक्त जो है वो दुर्योधन के शासन में रह रहे थे उसका ख्याल रखना कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे सामने जब भी कोई एक पर्सनैलिटी आती है ना हम ये मान लेते हैं कि इसमें इस बंदे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे ऐसा क्या ऐसे हो सकता है, कमियां तो हो सकती हैं, भीष्म पितामह में भी ये कमी हो सकती है, जरूर कमी हो सकती है, लेकिन मैं उसकी कमियों को लेकर कमियों का बहाना लेकर उनकी सारी अच्छी हुई बताओं को भी मैं बता रही अच्छी बताई हुई बातों को भी कहूं कि मैं तेरी इन बातों को नहीं मानूंगा क्योंकि उस दिन तूने जो है ना ये बात ऐसे ठीक नहीं की थी, तो ये मुझे लगता कि ये जस्टिस नहीं है। जैसा कि श्री राम के बारे में भी कहते हैं कि उसने जो है वो शंभू का वध कर दिया। अभी ठीक है अभी मैं कहता हूं ऐसे किया कैसे किया वैसे किया उस पचड़े में क्यों भरना, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने कहा हम कहेंगे क्योंकि तुमने शंभू का वध किया था मुझे लगता है ठीक नहीं किया, मैं तेरी सारी बातें नहीं मानूंगा। ये सब हमारी जो है बहाने होते हैं, कमजोरियां होती हैं। हमने क्या लेना देना कि भीष्म पितामह ने जो है उससे किया नहीं किया कैसे किया, उनकी कमजोरी थी, उनकी वीकनेस थी, इट वॉज ए ब्लॉट ऑन हिज पर्सनैलिटी, वट एवर यू कॉल इट। बट माई पॉइंट इज दैट भाई कुछ काम की बात भी कही उन्होंने, मैं काम की बात को पकड़ूं और दूसरी बात को साइड में डालूं। मैं इस फिलॉसफी में यकीन करता हूं। मेरे में भी कमियां हो सकती हैं, आप में भी कमियां हो सकती हैं। एज ए प्रोफेसर जो है आपके स्टूडेंट्स कहेंगे कि गुप्ता जी पढ़ाते तो बहुत हैं पर डांटते बहुत हैं, तो भाई आप डांटते हैं इसलिए हमें ऐसे पढ़ूंगा नहीं, ये तो कोई बात नहीं बनी भाई, पढ़िए क्योंकि गुप्ता जी पढ़ाते बहुत अच्छा है, तब जो भी बताते बात समझ में बड़ी सही अच्छी तरह से आती है। तो हम क्या करते हैं ना, हम हर चीज को जो है ना एक आइडियल जो है वही सामने देखना चाहते हैं कि ऐसा बंदा लेकर आओ पहले जिसमें आज तक कोई कमी ना हो फिर मैं उसकी बात मानूंगा। अरे नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। जनरल साहब इसमें मैं एक पक्ष और भी ऐड करना चाहूंगा, गुप्ता जी आपके लिए भी ध्यान की बात है कि संस्कृत का जो लिटरेचर रहा है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बहुत रही है शुरू से लेके आज तक, कि उन्होंने अगर कोई दुष्कर्म हुआ है तो उसको छिपाया नहीं है, उसकी निंदा ही हुई है। और क्योंकि हमने महाभारत को क्योंकि पढ़ते नहीं है पूरा,
तो उसके बाद जो भीष्म लज्जा का अनुभव करते हैं और वो जो साझा करते हैं, उसको एक्चुअली कभी ना पढ़ाया गया ना पढ़ा गया। ये इन दो दुष्कर्म के अलावा और भी वो कई दुष्कर्मों के लिए अपने को दोषी मानते हैं। अगर आप उनका पूरा व्यक्तित्व पढ़ेंगे और उनकी कोटेशन को पढ़ेंगे, संस्कृत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अच्छा अच्छा आपको बता दिया जाए कि हम बड़े अच्छे थे। उसमें अगर कोई अच्छा पक्ष है तो उसको जैसा रखा गया है वैसे ही बुरे पक्ष को छिपाया नहीं गया, लेकिन बुरे पक्ष को उन्होंने कोई उभार उभार के ये नहीं कहा कि देखो हम बुरे बुरे। लेकिन जो मनुष्य के स्तर पर जो कमियां रही हैं, दुष्कर्म रहे हैं, जहां अधर्म का उल्लंघन हुआ है, ये अधर्म का ही तो हुआ जिसकी वजह से उनको ये सारा कुछ फल भुगतना पड़ा। तो ये दोषों को हमारी परंपरा में दोषों को छिपाने का कभी नहीं रहा। सर नमस्कार। जी जी मैम। जी मैम। हाँ जी मैडम बोलिए। आशुतोष जी मैं अपनी बात कर सर नमस्कार। एक सेकंड गुप्ता जी मैडम कुछ कहना चाहते हैं। बोल रही हूँ आर्य गर्ल्स कॉलेज से। जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए मैम। क्या मैं उस बात क्या मैं उसका उत्तर सर क्या मैं उसका उत्तर दे सकती हूँ जो सर ने क्वेश्चन पुट किया था? जरूर दे दीजिए, जरूर दे मैम, जो जो भी रिस्पांस कर सकते हैं। मेरा बिलीफ ये है कि वहाँ जो भीष्म पितामह जी हैं वो ये भी शो करना चाहते हैं कि हाँ जी भीष्म पितामह जी ये शो करना चाहते हैं कि जब हम किंग के मतलब जब भी हम दरबार में बैठे हैं और उस दरबार में वो एक एम्प्लॉई मतलब एक पद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो ये कहना चाहते हैं जब किंग है और किंग का जो आदेश होता है उस समय आप एक पितामह का रोल नहीं कर रहे, तो वो ये शो करना चाहते हैं कि जब गुड गवर्नेंस होगी तो गुड गवर्नेंस में आपको फिर वही रोल करना है। यदि किंग आपको मना कर रहा है आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि किंग उस समय पितामह की सजेशन या उस एम्प्लॉय की सजेशन मांगे, इसलिए वो उनको चुप रहना पड़ा। चलिए ठीक है, थैंक यू मैडम। और कोई हाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी जी बिल्कुल ठीक है। और ये एक्चुअली वहाँ पर जब ये प्रसंग आते हैं तो वहाँ पर वो अपने को शर्मसार अनुभव भी करते हैं कि जिसका जैसा अन्न खा रहे हैं और हम उस अन्न की वजह से जो है हम प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे। Yes, ma'am. Indra, madam, yes, please. Coming again back to Bhishma Pitamaha's conduct in respect to Amba's position, we have to remember that Amba ji had given her heart to the king of Salwa. When he rejected, she came back and asked Bhishma Pitamaha to take hold of her hand. But then, how could she have asked for that if she had given her heart to a person? And if she had been accepted by Bhishma Pitamaha, it would have been a disaster for both of them. So then, the best thing for them, what Bhishma Pitamaha had done was initially what he had done was wrong. But then after Salva's rejection, he could not have done much in that. So there, I would absolve Bhishma Pitamaha from that point of view. Now, again, if I apart from Bhishma Pitamaha, I would like to say, chip in to what Shoriji had mentioned. In the ancient India, there was a custom by which the king, at the time of coronation, would say customarily, as a matter of ritual, he would say that, now there is none above my head. When the Raja Guru would come to him with a staff of Dharma in his hand, and then tap his head very gently and say that, remember that, this is above you. And there is actually
Bhagavata also, Srimad Bhagavata also, there are large, what shall I say, episodes mentioned in big, big chapters where the dharma is enunciated. That would also very much echo what had been said by Bhishma Pitamaha. Thank you, General Ji. Thank you very much for this presentation. It was very, very interesting. Thank you. Thank you very much, ma'am. You are absolutely right, whatever you have mentioned. Thank you very much, ma'am. सर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी रोहतास जी। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है कि विषम पिता में जब वीर से यहाँ पर लेटे हुए थे वो अपनी तीन बातें अपने जीवन की याद करके युधिष्ठिर को सुशासन के संदर्भ में बता रहे थे। पहली बात थी उनकी प्रतिज्ञा, दूसरा था उनका सिंहासन हस्तिनापुर सिंहासन के प्रति वचन, और तीसरा वायदा था जो भी सिंहासन के ऊपर बैठेगा उसमें मैं अपने पिता की तस्वीर देखूंगा। और इन तीनों के संदर्भ में ही जो अंबा का अपहरण का मामला आता और जो चीर अरण का मामला आता वो दोनों ही इन तीनों बातों के अंदर अपने आप ही गड़सड़ जाते हैं। और चौथी बात इसमें यह आती है कि उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि राष्ट्र से ऊपर प्रजा है, प्रजा का अगर ध्यान नहीं रखा तो राष्ट्र जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए प्रजा हितैषी कार्य करें। और पांचवी बात में उन्होंने बताया था कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक उस समाज में महिलाओं का आदर होता, महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसमें उस राष्ट्र की समृद्धि देखी जाती है। तो इन पांच बातों के अंतर्गत ही तीन बातें तो इसमें ऐसी हैं कि जो वो अपने जीवन को भूतकाल में देखते हैं और पश्चाताप करते हैं कि मेरे से क्या क्या हुआ, और दो बातें वो प्रजा के संदर्भ और महिलाओं के संदर्भ में बताकर सुशासन की शिक्षा युधिष्ठिर जी को देते हैं। और एक बात और जो शौरी साहब जी ने पाश्चात्य जगत से की थी कि हाब्स लॉक रूसो मिल और लास्की के संदर्भ में, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर हूँ इसलिए मैं उस भाव को पूरा समझ नहीं पाया, लेकिन मैं हार्स लाख रूसो मिल और लास्की के संदर्भ में जो सुशासन की बात करते हैं, ठीक है हार्स लाख रूसो रूप से स्वरूप से समझौतावादी दिखाई देते हैं लेकिन उनके पेट उनका गर्भ हार्स प्रभु प्रभु सत्तावादी प्रभु संपत्तावादी और लोक प्राकृतिक अधिकार और रूसो सामान्य इच्छा, ये तीनों विचार उनके अलग अलग हैं। मिल बाप बेटा दोनों हैं, बाप सरकार शिक्षा और अर्थ के संदर्भ में सुशासन की बात करता है और जेम्स मिल उपयोगितावाद में संशोधन और स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में बात करते हैं ताकि सुशासन स्थापित हो, और लास्की बहुलवादी होने के नाते सुशासन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह मेरी टिप्पणी थी छोटी सी, नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत बढ़िया रोहतास जी, आपने जो है बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ हमें बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर जी। इसमें अभी जो पहले मैडम ने जो बात कही थी उसमें थोड़ा सा एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि बड़े अच्छे उनके कमेंट्स थे कि महाभारत को पढ़ते हुए हम केवल इसको सिर्फ धर्म के संदर्भ में नहीं देख सकते, धर्म और अधर्म के, वो वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि पात्रों ने कर्म क्या किए हैं। ये जो अंबा के बारे में बात हुई, अंबालिका के बारे में बात हुई और बाकी सारे चर्चाएं हुई हैं, उन सभी चर्चाओं में उनके अपने कर्मों का फल क्या रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए कर्म और धर्म इन दोनों का जो डायनेमिक्स है वो हमें महाभारत में देखने को मिलता है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हम अगर सिर्फ फोकस कर देंगे कि नहीं धर्म 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 तो वो अनाचार कर जाएंगे, और साथ ही साथ हमें उनके कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे पात्र कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं, अब वो चाहे अधर्म के कारण कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं चाहे वो अधर्म के कारण कर रहे हैं। तो ये भी डायनेमिक्स का जो है ना ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये केवल मात्र ऐसे कोई आइडियलिस्टिक बातें नहीं है, ये एक व्यवहारिक इस तरह की बात हमें देखने को और सोचने को मिलती है। और मैं एक मैं एक अंतिम बात और दिखाना चाहता था, शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आपके साथ जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें मैं एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये केवल दिखाना चाहता था कि किस तरह से इस सारे मसले को हमें अप्लाइड बनाना है।
ये लेक्चर, ये वेबिनार सिर्फ इस काम के लिए नहीं है कि सिर्फ हमने सुन लिया और अपनी दृष्टि बढ़ा ली या हमें समझ में आ गई और हम अपना संशोधन कर लें। इस सारे मसले को हम अप्लाइड कैसे करें, ये भी हमारा एक पक्ष था जो जनरल साहब के साथ मिलकर के बातचीत चल रही है। और आप सभी जितने प्रतिभागी हैं उनसे भी मैं चाहता हूँ कि ये जो जनरल साहब ने ये सारी बातें की हैं, इनको अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में बदल दें तो आज की गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, दुनिया भर में किसी भी गवर्नमेंट का मूल्यांकन आप इस तरह से प्रश्नों के आधार पर कर सकते हैं, और तब आप एक डाटा इकट्ठा करके उसके आधार पर आप पॉलिसी डिजाइन भी कर सकते हैं। यही ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग का ये जो सेंटर का जो लक्ष्य है वो यही है। अब जो कुछ उन्होंने बातचीत की है, अगर आप देखें क्वेश्चंस, तो उसको सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में बदला है, हमने अपनी ओर से और कुछ नहीं किया है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप जनरल साहब से कभी भी ले सकते हैं। क्या आज राज्य संबंधी कार्यों के निर्वाह के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है? तो मैंने अपनी ओर से क्या किया है, हम लोगों ने अपनी ओर से कि क्या लगाया है, बाकी सारे का सारा वो भीष्म पितामह और बाकी लोगों के द्वारा कहे गए हैं। तो ये कई क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं, अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसको प्रोसेस में ला रहे हैं और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अंतिम बात करना चाह रहा था मैं कुछ ऐड करूं इसमें। एक्चुअली कपल ऑफ पीपल दे आर नॉट फैमिलियर विद हिंदी लैंग्वेज, कैंपराज एंड मैडम इंदिरा एंड कपल ऑफ अदर पीपल आल्सो। कैंपराज, इफ यू रिमेंबर दैट द अर्लियर दैट द वेबिनार व्हिच वी कंडक्टेड ऑन पीपल पावर एंड पॉलिटिक्स, यू आल्सो अटेंडेड। सो इन दैट आई वाज मेंशनिंग अबाउट दैट द एवोल्यूशन सिस्टम, एपीआर सिस्टम, समथिंग लाइक दैट, इफ यू रिमेंबर। नाउ व्हाट वी आर, व्हाट डॉक्टर आशुतोष वाज सेइंग दैट we are trying to build some sort of evaluation mechanism, performance appraisal type. Now performance appraisal for the whole of the state, actually when I use the word state, it is in the government, whatever you call it. So it has to be an appraisal system, number one. Now appraisal system, it is by and large the questions or the format will be the same for the government as well as for the state government or the lower level also, but my fine tuning will have to be done at the local level or the state level, etc. So if we finally come out with a appraisal system, I want to forward it to mygov.in to Prime Minister. That is my mind that, sir, with the request that this is that what we have done. Now you please have a look it, you modify it, whatever you want to do it. But we feel that like for a government official or a private corporate sector, there should be an appraisal system of the government, of the people who are running the government. Either the MLA, MP can be a different performer, but for the overall, for the government, there should be an appraisal system. That appraisal system, we are working on that. And I think within a month or two, we will come up with some sample within a month. That sample we will share with the like-minded people to have the variety of feedback or the opinion also. Once we all people who are associated with Human Development Policy Research and Training Center, we can say that we have devised a policy. Yeah. This policy we want to forward to the government. Now it's up to you whether they dump it, reject it, accept it, modify it. But at least we will feel that after these webinars, we have devised a policy of appraisal system. This is what Dr. Ashutosh was saying. Exactly. He has shared this questionnaire from Mahabharata. So it will take time. Apart from these questions, some other parameters, you see that some more questions might be added or modified, etc. So that we are working. I just wanted to share with you. Well, exactly. और कोई किसी के कमेंट्स हो, और मैं चाहूंगा कि जितने भी संस्कृत के लोग जुड़े हुए हैं, और अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, अब उसमें अगर इसको संस्कृत को अप्लाइड एस्पेक्ट में लाया जाए किसी तरह से, जैसे ये रामायण का भी है, महाभारत के जनरल साहब ने दिया है, और भी इस तरह के कई सारी चीजें हमारे सामने जब उभर कर आएंगी, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही वक्त है। इट्स अ हाई टाइम टू ट्रांसफॉर्म द संस्कृत इनटू अप्लाइड संस्कृत। सो वी मस्ट ट्राई फॉर दैट, वी मस्ट मेक एन एफर्ट फॉर दिस, how to make this Sanskrit applied Sanskrit. So, and just one or two more points, just for the information of all the participants, this HDPRTC, these conducting of the webinars based on the ancient scriptures, making relevant in the modern time,
has given us an insight to devise a performance appraisal system. This is the point number one. Now, simultaneously, we want to develop certain other basic policy framework also. And our job will be that as an institution, we deliberate, we study, we carry on the research and come out with a concrete proposal and forward to the either to the government or about to the university or whichever may be the appropriate authorities are there. Tomorrow, after some time, we'll be deliberating about the education policy also. So various policy which are in place, we want to contribute as an center that these are the things which should be taken care of by the person who are in charge, something like that. So this is the rough idea of HDPRTC that we discuss, deliberate, come out with a draft policy and forward it. Ab jisne karna hai wo aage kare, this we can't force them, but we will be satisfied that we have done our so-called intellectual this thing. And now Dr. Ashutosh has already mentioned, and I'm in touch with General Bakshi for the information of others. Very shortly, we are working on a webinar on terrorism and counter-terrorism, on which that the General Bakshi, he said that he will contribute. So such type of topics also will be handled by HDPRTC. It's not only that we will restrict ourselves to Ramayana or Mahabharata, but these topics and but the link will be that the scriptures, something like that. ऊपर हम प्रोजेक्ट भी बनाकर भेज सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग ऐसे सर्वे, यानी कि हम पब्लिक से सर्वे करके उनकी राय जानकर कि वो उनको कितना मालूम है और कितना उनका गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में, क्योंकि वो पैरामीटर्स हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आप यदि इसके ऊपर भी विचार करें, और इसके लिए आपको फंड नीति आयोग से मिल सकते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा कि जहाँ हम शहरी गाँव दूर दराज के इलाकों के सभी वर्गों के लोगों से सर्वे करके हम आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। जी जी जी, तो ये आपके निवेदन, धन्यवाद। जी सर, तो मुझे लगता है कि अब समय हो गया है कि एचडीपीआरसी सेंटर की ओर से और एसटी कॉलेज थेरी घुरना की ओर से आप सभी का हम आभार व्यक्त करें। समय हो गया है और आप लोगों ने बड़े धैर्य पूर्वक सारी बात को सुना और इसको सराहा भी। इस बात की भी खुशी है कि इतनी मेहनत जब की जाती है और उसको क्रिटिकली अप्रिशिएट करने वाले लोगों के सामने जब वो रखी जाती है, तो मुझे लगता है कि वो मेहनत अपने आप में सफल हो जाती है और उससे उत्साह मिलता है कि आगे नई और कुछ सीमाओं को तलाशा जाए, नए आयामों को, नई डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया जाए। तो आज के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मेजर जनरल अमित कुमार शौरी जी का कि उन्होंने बहुत मेहनत करके और बड़ी व्यापक दृष्टि से और बिल्कुल उसको आज की डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ करके, डे टू डे गवर्नेंस के साथ जोड़ करके, उस हमारी जो टेक्स्ट है, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है और उससे कई आयाम हमारे सामने खुले हैं। और साथ में सारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े रहे हैं और जिन्होंने सारे मसले को इवेल्युएट किया है, क्रिटिकली इवेल्युएट किया है, उनके भी प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित ही निकट भविष्य में आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ, नए किसी डायमेंशन के साथ आप लोगों के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। और धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि अपना फॉर्म भर दिया होगा, फॉर्म भरते ही आप लोगों के सर्टिफिकेट आपके ईमेल में आ गए होंगे। यदि आपने ईमेल ठीक से नहीं भरा तो वो आप तक नहीं पहुँचेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए फॉर्म को सावधानी से भरिए और देन यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच, यू केम टू द रेस्क्यू। थैंक यू जनरल शौरी सर, इट वाज फैंटास्टिक स्पीच, फैंटास्टिक टॉक, इट वाज वेरी वेरी यूजफुल, रियली थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट वी विल डिस्कस दिस। हां हां, बट थैंक यू वेरी मच योर एप्रिसिएशन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वंडरफुल सेशन। राइट सर, बाय बाय, वंडरफुल सेशन, वंडरफुल सेशन। Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ashutosh. Thank you.